आज हमारा जो लेक्चर है वो जेड एन स्टेनिंग के बारे में है। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रैम स्टेनिंग पढ़ी थी कि ग्रैम स्टेनिंग जो होती है वो किस पर्पस के लिए होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। एक जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम डिसिपिसिस है, इसके लिए हम जेड एन स्टेनिंग करते हैं। जेड एन स्टेनिंग बेसिकली से जील नेल्सन स्टेनिंग कहा जाता है। पॉल हर्लिक ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था और ये एसिड फास्ट स्टेन है। एसिड फास्ट क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट आगे स्लाइड्स में देखेंगे। बेसिकली जो जील नेल्सन स्टेनिंग है ये बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन है जिसको यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स मेनली माइकोबैक्टीरियम। टू जर्मन डॉक्टर्स से जिसने इसको इसके यूज को एप्लीकेबल बनाया, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन लाई, फ्रेंस जील एंड फ्रेडरिक नेल्सन ने। उन साइंटिस्ट के नेम पे फिर हमने इस स्टेनिंग को जेड एन स्टेनिंग कहा या जील नेल्सन स्टेनिंग कहा। बेसिकली जेड एन स्टेन जो यूज करते हैं माइकोबैक्टीरियम के लिए, तो माइकोबैक्टीरियम है क्या, माइकोबैक्टीरियम जीनस है, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं ये, स्मॉल रॉड शेप अपीयरेंस होती है इनकी, ठीक है, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं ये, और इसलिए इनको कंसीडर ग्राम पॉजिटिव भी कंसीडर किया जाता है। सम टाइप्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम जो है वो फिलामेंट्स में होते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, कुछ जो है फ्री लिविंग भी होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स मीन दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और फिर बहुत से इसमें हैं जो ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं, जैसा कि आगे उसने एग्जांपल दिया कि माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो कैटल्स में ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस ह्यूमंस में भी कॉज हो सकता है, और अगर मिल्क है उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम बाय पास्चराइजेशन जो है वो उसको किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को। फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये एक स्पीशीज है माइकोबैक्टीरियम की, आप बैक्टीरियोलॉजी में बहुत डिटेल में ये उसको पढ़ेंगे जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक स्पीशीज है जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करती है। ये एयर बॉर्न बैक्टीरियम है जो कि हमारे लंग्स को इफेक्ट। सिम्टम्स इसमें क्या हो जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस में, आप कफ आती है पूरी तरह से, चेस्ट पेन होती है, ठीक है, फटीग है, वेट लॉस है, भूख नहीं लगती, फीवर है, नाइट स्वेट्स है, ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये ट्यूबरक्लोसिस के हैं। फिर अगर नेक्स्ट हमने बात करें तो प्रिंसिपल क्या होता है इस स्टेनिंग का, जेड एन जी नेल्सन स्टेनिंग जो है ये प्रिंसिपल पे काम करती है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री को स्टेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इनको एसिड फास्ट बैसिलाई भी कहते हैं। अब एसिड फास्ट बैसिलाई हम क्यों कह रहे होते हैं इनको, जो फर्स्ट स्लाइड से ये वर्ड आ रहा था कि ये कार्बल फ्यूजन से तो ये स्टेनिंग होती है इनकी, ये रेड कलर अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब हम इस पे एसिड डालते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड स्टेप है आगे हम प्रोसीजर में देखेंगे, तो उस एसिड से ये वॉश आउट जो है स्टेन नहीं होती, वो स्टेन उसके माइकोलिक एसिड जो स्पेसिफिक सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, जिसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है, वो माइकोलिक एसिड के साथ कार्बन फ्यूजन एक नेटवर्क बनाती है और नेक्स्ट स्टेप में एसिड से वो वॉश नहीं होती, इस वजह से हम इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग या एसिड फास्ट बैसिलाई भी कह रहे होते हैं इन ऑर्गेनिज्म को।
फिर अगर रिएजेंट्स की बात करें तो ये आपने याद रखना है कि ये दो स्टेनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम स्टेन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी और ये ZN स्टेनिंग। ZN स्टेनिंग में जो रिएजेंट्स है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बल फ्यूक्सन आप यूज करते हो, सेकंड नंबर पे आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो 20% फॉर द डीकलोराइजेशन, जैसे कि आपने ग्राम स्टेनिंग में यूज करते थे एसिड अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह HCl यूज करते थे ग्राम स्टेनिंग में, और थर्ड जो है वो मिथाइलिन ब्लू है, ये काउंटर स्टेन के तौर पे एक्ट करती है, या मेलाकाइट ग्रीन भी यूज करते हैं। तो वहां पे ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन हमारे पास जो है वो न्यूट्रल रेड या सैफ्रन थी। तो ये बेसिकली तीन स्टेन हैं जो इस पूरे प्रोसीजर में यूज होती है, नंबर वन कार्बन फ्यूक्सन, नंबर टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नंबर थ्री मिथाइलिन ब्लू। ये सेंटर में जो हीट लिखा हुआ है, मॉडर्न लिखा हुआ है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है, हीट क्यों यूज करते हैं उसमें। नेक्स्ट जो है प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फिक्स करना है स्फीयर को जिस पे स्पेसिमेन होगा आपका, ठीक है। यानी आपने स्पेसिमेन लेने हैं, उसको आपने स्लाइड पे स्प्रेड करना है और उसको हीट फिक्स या अल्कोहल फिक्सेशन करनी है, या तो आप उसको फ्लेम के ऊपर से 3-4 टाइम्स पास करते हो, ठीक है, अंटिल इसमें फ्यूमिंग स्टार्ट होता है, या आप उसको अल्कोहल में रख देते हो फॉर 30 सेकेंड या फॉर 1 मिनट, ताकि वो फिक्स हो जाए, फिक्सेशन हो जाए उसकी स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन की। नेक्स्ट आप क्या करते हो, जब हीट फिक्सेशन आप कर लेते हो स्फीयर पे, तो आप कार्बन फ्यूक्सन अप्लाई करते हैं उसको, और साथ साथ जो है वो आप हीट देते रहते हैं, ठीक है। हीट क्यों देते हैं आप कार्बन फ्यूक्सन अप्लाई करते हुए, ताकि जो कार्बन फ्यूक्सन है वो माइकोलिक एसिड, जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है माइकोलिक एसिड माइकोबैक्टीरियम का, उसके अंदर अच्छी तरह पेनिट्रेट कर जाए कार्बन फ्यूक्सन, ठीक है। और इसके लिए WHO का स्टैंडर्ड है वो 5 मिनट्स है, कि आप 5 मिनट्स तक उसको हीट देते हैं, ठीक है। फिर उसको आप जब हीट दे लेते हैं, वो उसके ऊपर फ्यूमिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आपको वहाँ मेटेलिक स्कम कलर की अपीयरेंस नजर आए, ठीक है, आपको वहाँ पे शाइनिंग सरफेस नजर आए स्टेन के ऊपर, तो आप वहाँ पे फिर वॉश आउट कर देते हो उसको। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने 20% सल्फ्यूरिक एसिड डाला, 20% सल्फ्यूरिक एसिड डाल के आप उसको 1-3 मिनट्स आप उस पे सल्फ्यूरिक एसिड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को अप्लाई करेंगे 1-3 मिनट्स के बाद आप उसको भी वॉश आउट कर देंगे। अगर तो वो माइकोबैक्टीरियम उसमें होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम लैपी, तो वहां पे वो क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से जो वॉश आउट जो है उसकी स्टेन नहीं होगी। अगर कोई और ऑर्गेनिज्म होगा तो वो इजीली सल्फ्यूरिक एसिड उसको डीकलोराइज कर देगा, ठीक है, वो स्टेन वहां से वॉश आउट हो जाएगी। नेक्स्ट में फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में मिथाइलिन ब्लू डालते हो, इसका भी 2-5 मिनट्स तक टाइम होता है, आप मिथाइलिन ब्लू को उस पर पोर करते हैं और फिर वॉश आउट कर देते हैं। फिर आप एयर ड्राई करते हैं, फिर ऑयल इमर्जन लेंस के अंदर आप एग्जामिन कर लेते हैं उसको माइक्रोस्कोप के नीचे। ये इसका प्रोसीजर है, जो हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा उसके स्टेप्स हैं ये दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉपर के साथ कार्बन फ्यूक्सन जो है वो एज ए प्राइमरी स्टेन हमने अप्लाई किया। सेकंड में उसने क्या किया कि उसने हॉट प्लेट यूज की, हॉट प्लेट पे उसने स्लाइड को रख दिया, ठीक है, वहां पे वो उसकी जो है एज ए मॉडरेट एक्ट किया हीट ने और हीट फिक्सेशन की। इसमें आप फ्लेम भी यूज कर सकते हैं, फ्लेम को 3-4 टाइम्स आप पास करें इसके नीचे से स्लाइड के, ठीक है, स्लाइड को उसके फ्लेम के ऊपर से पास करें तो हीट फिक्सेशन हो जाएगी, स्टेन और जो माइकोलिक एसिड है उसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है, इसमें आप क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड 20% जो हमने कहा वो आप अप्लाई करते हैं एज ए डीकलोराइजर। जब आप वो अप्लाई करेंगे तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे या माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसे हमने कहा होगा या लैप्री होगा, तो वो वहां पे वॉश आउट नहीं होगा उससे, ठीक है, स्टेन जो है उसमें से नहीं निकलेगी, वो उसके अंदर ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में जब आप मिथाइलीन ब्लू अप्लाई करते हैं तो मिथाइलीन ब्लू अप्लाई करने से जो रिमेनिंग सेल हैं जो डीक्लोराइज हो चुके थे इस स्टेप में, कोई और बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो वो मिथाइलीन ब्लू स्टेनिंग ले लेगा और उसके साथ ही जितना भी उसका जो भी ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं वहाँ पे अगर हैं, ठीक है, रेजिड्यूज कुछ पड़े हैं तो वो सारे जो है ये मिथाइलीन ब्लू स्टेनिंग ले लेंगे और ब्लू कलर की अपीयरेंस में आ जाएगी। जबकि आपका माइक्रो बैक्टीरियम एज इट इज पिंकिश कलर का ही, पिंकिश रेड कलर का ही रहेगा। ये इसने इसलिए यहाँ पे शो कर दिया कि एसिड फास्ट है और ये नॉन एसिड फास्ट है। एसिड फास्ट बैसिलाई जो है वो रिजल्ट्स में क्या होगा कि ये हमारे पास पिंकिश रेड कलर के नजर आएंगे, स्ट्रेट होंगे या स्लाइटली कर्व डॉट्स होंगे, और ये बीडी अपीयरेंस भी इनकी जो है ये हो सकती है, ठीक है, अगर ये नंबर इनका बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और बैकग्राउंड जो मैंने बात की कर रेजिड्यूज जो भी होगा वहां पे वो मिथाइलीन ब्लू स्टेनिंग लेगा और ब्लू कलर नजर आएगा, यानी आपको क्लियरली पिंकिश रेड कलर का ट्यूबरक्लोस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोस बैक्टीरिया अगेंस्ट ब्लू बैकग्राउंड आपको नजर आता है। अब इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है आपने इसकी, रिजल्ट तो आपने देख लिए, वहां पे आपको पिंकिश रेड नजर भी आ गए, आप उसको आप रिपोर्ट कैसे करेंगे? अगर आपने वैसे लाइक देखा वहां पे एएफबी पॉजिटिव आपने दिया, ठीक है, तो आपने क्वांटिटेटिवली उसको रिपोर्टिंग करनी है उसकी। नंबर फर्स्ट क्या है, अगर आपको मोर देन 10 एएफबी पर हाई पावर फील्ड नजर आते हैं, मींस कि आप जो एक फील्ड देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में उसमें आपको 10 एएफबी नजर आते हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये 3+ है, ठीक है, उसकी ग्रेडिंग आप रिपोर्टिंग 3+ करेंगे। नेक्स्ट में अगर 1 to 10 एएफबी वहां पे आपको नजर आते हैं, आप गिन सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 है या ये 8 है या ये 3 है, तो आप उसको क्या करते हो +2 देते हो, ठीक है, 2+ करोगे रिपोर्टिंग में। अगर आपको 10 to 100 एसिड फास्ट वैसे लाइन नजर आते हैं पर 100 पावर फील्ड, यानी आपने 100 फील्डें देखी और उसमें आपको 10 to 100 जो है वो एएफबीज नजर आए, ठीक है, पहले आपने एक जो है फील्ड देखी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह जब 100 आपने फील्ड देख ली उसमें 10 to 100 एएफबी थे तो आप उसको 1+ देंगे। और फिर अगर आपने 100 फील्ड देखी उसमें सिर्फ आपको 1 से 9 तक एएफबी नजर आते हैं, पिंकिश रेड कलर के बैक्टीरिया नजर आते हैं, तो आपने एग्जैक्ट नंबर लिखना है उसका रिपोर्टिंग में, ठीक है, कि ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या 8, ये इसका रिपोर्टिंग मेथड होता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको एएफबी नजर नहीं आया कोई भी वहां पे एसिड फास्ट बैसिलाई नहीं नजर आए, तो आपने उसका रिजल्ट जो रिपोर्टिंग करनी है वो आपने लिखना है 9 एएफबी सीन, 9 एसिड फास्ट बैसिलाई सीन। आपने कभी भी नहीं लिखना कि नेगेटिव, ठीक है, जैसे आपको मैंने कहा कि आपने क्वांटिटेटिव रिजल्ट वैसे लाए लिखने हैं। इसी तरह अगर वो रिपोर्ट आपको नहीं नजर आएगा उसमें कुछ भी एसिड फास्ट वैसे लाए नहीं नजर आए, तो आप उसमें लिख देंगे कि 9 एएफबी सीन,